जब भी हेल्दी फूड की बात आती है तब ज्यादातर लोगों की जुबान पर फ्रूट और फ्रूट जूस का नाम आता है। फ्रूट और फ्रूट जूस दोनों ही हमारी हेल्थ के लिए अच्छे माने जाते हैं। लेकिन जब इन दोनों में से आपको किसी एक हेल्दी ऑप्शन को चुनना हो तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और सोचेंगे कि ये दोनों तो हेल्दी है, इन दोनों में क्या अंतर है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हमारी सेहत के लिए फ्रूट अच्छे है या फ्रूट जूस। आप पूरा फ्रूट खाते हैं तो आपको इससे फाइबर मिलता है, लेकिन इस फ्रूट का जूस पीने से आपको फाइबर नहीं मिलता है, क्योंकि जूस बनाते समय इससे फाइबर निकल जाता है। ये फाइबर हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हमारी डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है। जब आप फ्रूट खाते हैं तब आप एक बार में एक, दो या तीन फ्रूट ही खा सकते हैं, क्योंकि फ्रूट में फाइबर ज्यादा होने के कारण आपका पेट भर जाता है। लेकिन जब आप एक ग्लास जूस पीते हैं तो इसमें 5 से 6 फ्रूट शामिल होते हैं। इससे आपका कैलोरी काउंट काफी बढ़ जाता है। वैसे तो फ्रूट में कैलोरी कम होती है, लेकिन एक साथ ज्यादा फ्रूट आपकी कैलोरी बढ़ा सकते हैं। जब हम एक ग्लास जूस पीते हैं तब ये बॉडी में तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है और हमारा शुगर लेवल काफी बढ़ जाता है। इस शुगर लेवल को कम करने के लिए हमारी बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है। इंसुलिन रिलीज होते ही बॉडी में जो शुगर लेवल बढ़ा था वो तुरंत ही कम हो जाएगा और इसी वजह से बॉडी में कमजोरी आ जाती है और तुरंत ही भूख लगती है। ये साइकिल हमारी बॉडी में बार बार चलता है तो हमें डायबिटीज होने का खतरा भी बढ़ जाता है। जिसे भी डायबिटीज है उसे फ्रूट जूस नहीं पीने चाहिए। फ्रूट जूस की वजह से हमें भूख भी लगती है, क्योंकि फ्रूट जूस में फाइबर नहीं होते और शुगर लेवल ज्यादा होता है और इसी वजह से हमारा वजन भी बढ़ सकता है। अब आपको पता चल ही गया होगा कि फ्रूट जूस से ज्यादा हेल्दी है फ्रूट खाना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्रूट जूस पीना बंद कर दो और इसकी जगह आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना चालू कर दो। प्रोसेस्ड जूस और सॉफ्ट ड्रिंक्स से कई गुना अच्छा है फ्रूट जूस।